तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए सुनीता स्पेशल ब्यूटी एंड कुकिंग को और सब्सक्राइब किया जो बेल आइकन बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ शाही पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स ये शाही पनीर बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आपको इसको बनाने के बाद आपको रेस्टोरेंट से इसको लाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही अच्छा बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं बताती हूँ इसको कैसे बनाया है मैंने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 3 ड्राई चिल्ली ली है और 4 पीस यहाँ पे मैंने गार्लिक के और 1 पीस जिंजर का लिया है जिसको मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था 10 मिनट के लिए। अब मैं इसको ब्लेंडर में डालकर इसका पेस्ट बना लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं जिसको मैंने ब्लेंडर में डालकर प्यूरी बना ली है। 2 प्याज लिए हैं जिनको मैंने ब्लेंडर में डालकर उनकी भी प्यूरी बना ली है। यहाँ पे मैंने 1 कप फ्रेश क्रीम का लिया है, आप यहाँ पे योगर्ट का भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 20-25 काजू लिए हैं जिसको मैंने पानी में भिगोकर इसका पेस्ट बना लिया है और थोड़े से कैशू लिए जिसको मैंने फाइनली चॉप्ड कर लिया है। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम पनीर लिया है जिसको मैंने मोटे मोटे पीसेस में काट लिया है। तो फ्रेंड्स मसालों में यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून जो है सॉल्ट का, 1/2 टीस्पून यहाँ पे धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून यहाँ पे गरम मसाला और साथ में 1/2 टीस्पून जीरा लिया है और हल्दी को मैं दिखाना भूल गई हूँ, 1/2 टीस्पून ही हल्दी का लूँगी और ऑयल और 1/2 कप जो है पानी का लूँगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यहाँ पे नॉन स्टिक फ्राई पैन लूँगी जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल का डालूँगी और इसमें जो फाइनली चॉप किए हुए कैशूज थे उसको डालकर मैं उसको रोस्ट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून के आसपास सुल्ताना किशमिश ले रही हूँ, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स इन दोनों को अच्छी तरह से रोस्ट करने के बाद इसको मैं निकाल लूँगी और साइड पे रख लूँगी। तो फ्रेंड्स उसी फ्राई पैन में मैं 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डालूँगी और इसमें जीरा डालूँगी। तो जब जीरा अच्छी तरह से क्रैक हो जाएगा तो फ्रेंड्स आप देखें उसके बाद जो हमने ड्राई रेड चिल्ली और जिंजर और गार्लिक का पेस्ट बनाया था उसको डालकर अच्छी तरह से इसको मैं मीडियम फ्लेम पर मिक्स करूँगी और साथ में जो ऑनियन है उसको भी डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स मीडियम फ्लेम पर इसको आप पकाएं तो बहुत ही अच्छा ये बनता है। यहाँ पर मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, सॉल्ट डालने के कारण ये बहुत ही अच्छे जल्दी से जो हमारे प्याज है वह भुन जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसने ऑयल को छोड़ दिया, हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। तो यहाँ पे मैं फ्रेंड्स आपको हल्दी दिखाना भूल गई थी, 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैं हल्दी का लूँगी और इसके बाद इसमें मैं जो टमाटर हमने ब्लेंड करके रखे थे उसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो कैशू का हमने पेस्ट बना कर रखा था उसको डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करें नहीं तो जो कैशू का पेस्ट होता है वो नीचे लग जाता है। तो इसको अच्छी तरह से हिलाते हुए मिक्स करें और जो हमारे सारे मसाले हैं उसको मैं डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से हिलाऊँगी और इसमें मैं फिर इसके बाद 1/2 कप जो है पानी का डालूँगी। तो फ्रेंड्स अब में से मैं 1/2 कप पानी का डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से हिलाऊंगी। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो गैस का फ्लेम है वो लो से मीडियम कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मैं कुक होने दूंगी 5 मिनट के लिए और बीच बीच में से इसको मैं हिलाऊंगी, 1 बार 2 मिनट के बाद हिलाऊंगी और उसके बाद 3 मिनट के बाद इसको चेक कर लूँगी। तो फ्रेंड्स 2 मिनट के बाद इसको हिलाए आप देख सकते हैं ये थोड़ा गाढ़ा हो रहा है और इसको फिर से मैं ढक कर रख दिया हूँ। तो फ्रेंड्स अब 5 मिनट हो गए हैं तो आप देख सकते हैं जो मसाला है उसने ऑयल को छोड़ दिया है तो हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। तो मसाला भुनना बहुत ही ज़रूरी है तो इसमें मैं जो क्रीम ली थी हमने 1 कप वो डाल दूंगी। आप यहाँ पे योगर्ट का फ्रेश योगर्ट का यूज़ भी कर सकते हैं जो मीठा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून शुगर का ले रही हूँ क्योंकि रेस्टोरेंट में वो शुगर डालते हैं तो ये ऑप्शनल है तो बट इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी और इसमें जो पनीर के पीसीज है वो डाल दूँगी और साथ में हमने जो रोस्ट करके किशमिश और कैशू रखे हुए थे उसको भी डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको कवर करके 5 मिनट तक पकाऊँगी और गैस का फ्लेम है जो लो से मीडियम रखूँगी। तो लो से मीडियम फ्लेम पर आप इसको पकाएं 5 मिनट के लिए और बीच में हिलाते रहें और 2 मिनट के बाद इसको हिला लें। तो फ्रेंड्स 5 मिनट के बाद आप देखिए हमारा जो शाही पनीर है बनकर तैयार हो चुका है, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो फ्रेंड्स इसको डेकोरेट करने के लिए थोड़ी सी मैं क्रीम का यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।